कोरोना की वजह से लखनऊ के घंटाघर में चल रहा सीए विरोधी धरना फिलहाल खत्म हो गया है। हालांकि धरना दे रही महिलाओं ने ऐलान किया है कि उन्होंने धरना अस्थायी रूप से खत्म किया है। उन्होंने कोरोना महामारी खत्म होने के बाद फिर से धरना शुरू करने की बात कही है। के बढ़ते संक्रमण को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 16 जनपदों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इस बीच जगह जगह पर पुलिस की तरफ से न सिर्फ नाकेबंदी की जा रही है बल्कि लोगों को अपने घरों में रहने के लिए एहतियातन निर्देश भी दिए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम प्रदेश के तमाम सारे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योगी ने इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि न सिर्फ लोगों में कोरोना के संक्रमण को लेकर जन जागरूकता फैलाई जाए बल्कि अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण की शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल उसे उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। इस बीच सबसे खास बात ये भी रही कि लखनऊ के घंटाघर पर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने भी अपना प्रदर्शन फिलहाल समाप्त कर दिया है। पुलिस आयुक्त को लिखी गई चिट्ठी के मुताबिक इन महिलाओं ने कहा है कि फिलहाल कोरोना के संक्रमण के चलते ये धरना स्थगित किया जाता है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से सीएए कानून को वापस नहीं लिया गया तो उनका प्रदर्शन फिर से शुरू हो जाएगा। सबसे खास बात ये भी है कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं पूरी तरह से बहाल रखी गई हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज 24।